हे व्हाट्स अप गाइस, मिस्टर शान व्लॉग में आपका स्वागत है। और आज हम जाने वाले हैं कैंपिंग पे। वाओ, वेरी डेंजरस। एकदम से प्लान बनाया, आई डोंट नो, पहले मूवी देखने जाएंगे या कहाँ जाएंगे। अरे कहना क्या चाहते हो? पहले से लेट हो चुका हूँ, मैंने जल्दी से पैकिंग कर लिया है और अब चलते हैं, देखते हैं। अरे तू जा रही है लेट और हम हैं 20 मिनट पूरे लेट। ये हमारे सारे बंदे, कहाँ मूवी देखनी है? बोरी आओ भागो। अभी भी कुछ कंफर्म नहीं हुआ कि हमें कहाँ जाना, कौन किस किधर जाना भाई। पहले मूवी देखेंगे फिर ये हमने कर लिया एंटर। गाइस, इंटरवल हो चुका है और मैंने दो दो चश्मे ले रखे हैं जो कि मैं चुराने वाला हूँ। शक्ल से ही चोर लगता है। देखते हैं आगे। बाय भाई साहब, ड्रायर नहीं था इनके पास। मुंह पर करो यार, मुंह पर करो, ड्रायर करो सही से। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? तो गाइस, कंफर्म हो चुका है कि अब हम ऋषिकेश जा रहे हैं। भाई साहब, हम ऋषिकेश जा रहे हैं और इधर हो रही है बारिश, मौसम हो रहा है बहुत बढ़िया। तो हम चाय पीने के लिए रुके थे, खाना खा ही लिया हमने और देखते हैं आगे क्या क्या करते हैं। फाइनली गाइज, हम पहुंच चुके हैं ऋषिकेश और लोकेशन देख सकते हो कितना बॉम्ब है। और अब हम जाने वाले हैं कैंप बुक करने, तो और देखते हैं कैंप कैसा होगा। बाय बाय। ये देख सकते हो, ये कैंप का व्यू है और इधर क्या क्या चीज़ें हैं मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये बेस्ट पार्ट इस कैंप का ये है कि इसके सामने ही आप एक्टिविटी कर सकते हो, बंजिंग जंपिंग एंड बहुत सारी चीज़ें। एंड नीचे ग्राउंड है और बिल्कुल ये कॉटेज बने पड़े हैं काफ़ी खूबसूरत से। और इसके बराबर में जस्ट आप देख सकते हो बहुत प्यारा सा पुल है जहाँ की व्यू बहुत अच्छा आता है। अब इससे ऊपर हम आते हैं धीरे धीरे धीरे, तो यहाँ पर हम लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर जो कि सारी चीज़ें इनमें इंक्लूड रहती हैं, तो मतलब पर पर्सन का हिसाब होता है इसके अंदर, ठीक है। और ऊपर आते हैं तो हमें मिलते हैं प्यारे से डॉगी और सामने है डीजे जो कि नाइट में बजते हैं। ओके डन, चलते हैं फिर। अब आप ये सोच रहे हो कि भाई हमें ये कैंपिंग किस हिसाब से पड़ रही है, तो भाई पर पर्सन हमारा पड़ता है 1600 रुपये, जो कि हमने बातचीत करके 1400 रुपये करवा लिया था क्योंकि हम पहले भी आ चुके हैं। तो आप यहाँ से बैठ के मस्त इंजॉय ले सकते हो हुक्का पी के। वह सच बताऊँ तो आप लोगों को कहीं जाने का दिल नहीं करेगा क्योंकि यहाँ से जो व्यू है ना, इतना प्यारा व्यू लगता है कि भाई बंदा बाहर ही खड़ा रहे और कहीं ना जाए। और सबसे अच्छी बात इस व्यू की ये है कि ये जितना सुबह खूबसूरत लगता है उससे ज़्यादा ये रात में और ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है। तो यार अलग ही मज़े हैं, आप भी आओ।